बैतड़ी, भारत द्वारा सोमवार रात धौलागगा जलविद्युत परियोजना के बांध को खोलने के बाद नेपाल उच्च जोखिम में है। एनएचपीसी लिमिटेड धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना का बांध आज दोपहर 12 बजे से मंगलवार शाम 7:45 बजे तक खोला जाएगा। बांध के खुलने के बाद नेपाल के धारचूला, बैतड़ी, दादेधुरा और कंचनपुर से होकर बहने वाली महाकाली में पानी का प्रवाह बढ़ जाएगा। नेपाल और भारत के स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से नदी के पास न जाने और पानी के प्रवाह में वृद्धि होने के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया है। परियोजना यह कहते हुए बांध खोल रही है कि समय समय पर नियमित सफाई की आवश्यकता है क्योंकि बांध में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। बैतड़ी के मुख्य जिला अधिकारी मोहन राज जोशी ने सतर्कता बरतने का आग्रह किया है क्योंकि बांध के खुलने के बाद महाकाली नदी में जल स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्र में जोखिम होगा। महाकाली के तटीय क्षेत्र बैतड़ी के सेरा से कुसमा घाट तक के नागरिकों से नदी के पास नहीं जाने का अनुरोध किया गया है। धारचूला के मुख्य जिला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है क्योंकि तटीय क्षेत्र में धौलाकोट से लेकर लेकम नगर पालिका के लाली तक खतरा है। 280 मेगावाट की धौलीगंगा परियोजना के बांध के उद्घाटन के बारे में भारतीय प्रशासन द्वारा अग्रिम सूचना देने के बाद एहतियात बरतना आसान हो गया है। 2070 में धौलीगंगा बांध के कारण धारचूला जिला मुख्यालय में अरबों का नुकसान हुआ। Baitadi, Nepal is at high risk after India opened the dam of Daulaganga hydropower project on Monday night. The dam of Daulaganga hydropower project in Pithoragarh district of Uttarakhand will be opened from 12 noon tonight to 6:45 p.m. on Tuesday. According to NHPC Limited Daulaganga Power Station Dharchula, after the opening of the dam, the flow and surface of water in the Mahakali flows towards India through Dharchula, Baitadi, Dadeldhur and Kanchanpur of Nepal will increase. The local administrations of Nepal and India have urged the people of the area not to go near the river and to be vigilant as the flow of water is increasing. The project has been opening the dam saying that regular cleaning is required from time to time as the amount of water in the dam will increase. Chief District Officer of Baitadi, Mohan Raj Joshi, has urged to be vigilant as the water level in the Mahakali River will rise after the opening of the dam and there will be risk in the coastal area. Citizens from Sarar of Baitadi to Kusma Ghat in the coastal area of Mahakali have been requested not to go near the river. Chief District Officer of Dharchula, Sharad Kumar Pokhrel, has urged the locals to be vigilant as there is danger in the coastal area from Daulakot to Lali of Lekam municipality. It has become easier to take precaution after the Indian administration started giving advance notice about the opening of the dam of the 280 megawatts Daulaganga project. In 2070 BS, billions were lost in the Dharchula district headquarters due to the Daulaganga dam. Betty. भारत ने सोमवार राती धौलागगा जल विद्युत परियोजना को बांध खोलने भयपची नेपाल उच्च जोखिम मा परने भये को छ। उत्तराखंड प्रदेश स्थित पिथौरागढ़ जिला मा रहे को धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना को बांध आज राती 12 बजे देखी मंगलवार बेलू का 6:45 बजे जम खोलने एनएचपीसी लिमिटेड धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला ले जनाए को छ। बांध खोले पची नेपाल को धारचूला, बैतड़ी, डेलधुरा र कंचनपुर भी भारत तिर बिगने महाकाली मा पानी को बहाव र सतह बढ़ने भये को छप। पानी को बहाव बढ़ने भये पची उक्त क्षेत्र का नागरिक लाई नदी छेउछाऊ मा न जान र सतर्कता अपनाऊन। नेपाल र भारत को स्थानीय प्रशासन ले
आग्रह गरेको छ परियोजनाले बांधमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले बेला बेलामा नियमित सरसफाई गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खोल्ने गरेको छ। बाँध खोलेपछि महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने र तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन व्यक्तिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले आग्रह गरेका छन्। महाकालीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिको सेरादेखि कुस्मा घाटसम्मका नागरिकलाई नदी आसपास नजान अनुरोध गरिएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 5 धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिकाको लालीसम्म तटीय क्षेत्रमा खतरा हुने भएकाले उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेका छन्। 280 मेगावाट जल विद्युत क्षमताको धौलीगंगा परियोजनाको बाँध खोलिने बारे पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले पूर्व सूचना दिन थालेपछि पूर्व सतर्कता अपनाउन सजिलो भएको छ। विषम 2070 मा धौलीगंगाको बाँधकै कारण दार्चुला सदरमुकाममा अरबौंको क्षति भएको थियो।